भूमिका बाबा बड़ा बढ़िया प्रसंग दोनों तरफ से सुन ला लगभग लगभग भोरहरी का ई बेला कहला एक से भक्ति रस का प्रसंग सुन ला काशी की गरिमा गुरु ज्ञान महिमा सदगुरु पंथ पथ का दिखाया थपिया अटल भक्ति सेवा है मानो तमेवा सदा ढोंगियों को झुकाया था कबीरा क्यों कलुषता की ज्वाला में मानो जले इसलिए पंथ निर्गुण चलाया था कबीरा कवाली बड़ी पुरानी है लेकिन खूबसूरत कि कुदरत ने सनम तुझको कि कुदरत ने सनम तुझको क्या सौभाग्य ऐसे बढ़िया खाना तो खाओ सतगुरु की सुरत पर सतगुरु की सुरत पर मुहूर्त को सजा दे कहानी पहचान नहीं पाए रमानंद ज्ञानी
कबीर साहब बचपना को मर अल्हर स्वभाव, वही अल्हर स्वभाव में भक्ति का भाव जगते है वो लड़का कबीर में। कबीर पता लगा लग लग के काशी के ये महान संत हो यही के चेला बन, पता लगावत रमानंद स्वामी के कुटिया पे पहुंच गए। कहे कबीर चेला बनो नया पिता पर ध्यान नहीं दिए इसी बात का, बैठे थे मन मार जब कबीर कुटी पर, बैठे थे मन मार जब कबीर कुटी पर, चेला बना ला कहना की अरे बबुआ बड़ी कम उम्र है, खेले कूदे का उम्र है, पढ़े लिखे का उम्र है, भक्ति है, भक्ति का लाइन है, बड़ा नीरस लाइन है, एमा मनवा ला रवि बबुआ ला रवि जा जा। कबीर साहब बड़ा मायूस हो गए, इहे विचार कैलन। एक दिन भोरवे कबीर साहब नंग धड़ंग अवस्था में नंगा हो के लंगोटिया पहन के अस्सी घाट पर जौनी घटिया से रमानंद स्वामी स्नान करके सीढ़िया से ऊपर चढ़े हैं, वही सीढ़ी पर लेट गईलन। भोरहरी का टाइम बाप अंधेरा भी बाप, कबीर साहब का गुरु रमानंद स्वामी देखलन हा, सिनवा पर लात पड़ल एक इंसान का, कला का कलक कबीर कौन भी तुम कौन? तो मैं कबीर, क्या चाहते हो? इसे गलत एक गीत लगे कि न जान रा कि न जान राम सही अदर दियो न जान चेला बनाईला, और तीनों ड्यूटिया में जवन शिष्य हमारे पास कह जालन उहे हमार पक्का चेला होलन, नहीं तो कुटिया से खेदाई जालन। कलक ये सरकार जवन जवन ड्यूटी देव प्रयास करती हम पास कर जाई जाई, पहली ड्यूटी दे देलन कबीर साहब का रामानंद गुरु अजब जलन हद गीत लग गई। अरे बोल जल्दी
पड़ी कि भजन या हो ठाकुर जी का मंदिर हो पूरा बरामदा हो पिंड हो चहारी के भीतर झाड़ू लगाई के ठाकुर जी का मंदिर के चमचमा के साफ कह दी है सुबह शाम सफारी है कामारी है चलती कबीर साहब कैलन का अरे साझा सवेरे लगले झाड़ू लगा मंदिर का गेट से शुरुआत कैलन झाड़ा आखिरकार झाड़ू लगावे लगभग पहले दिन कबीर साहब लंबा कुटिया से बाहर के गेट से शुरुआत कैलन झाड़ू लगावे आ झाड़ू लगावत लगावत जितना कूड़ा करकट गंदगी रहल ले जाके ठाकुर जी के मंदिर में गांज चलवा को देखला राउर चला रहा कबीर के संगवा रमानंद स्वामी के जाय के दौड़ के कहला सरकार अरे कैसा चेला ले का कहलस चली चल चल चली देखी मैं मंदिरवा भर भाष्ट कह देले बा महकत बा दुर्गंध महकत बा कबीर साहब को गुरु रमानंद स्वामी गैलन है कहलन मंदिर के गैलन ऊपर से नाक से श्वास ले कहला वाह 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 चेला कबीर गजब का सुगंध तूने इस मंदिर को बना दिया ठाकुर जी धन्य है तेरे जैसे चेला से जा पहले के ड्यूटी पास चला बात हम सोचे लग लग सी है भाई हमने के गुरुओं जी का माथा खराब होगा कुछ स्क्रू ढीला हो लगा तो बिना हरे फिटकरी के पहले के ड्यूटी का सर्टिफिकेट पास कैसे कर लगा है लेला दूसर सी लेला कबीर से कहला कि है दूसर सी ड्यूटी लेला का दे लग गीत लग गया Thank you.
बीच गंगा की धार में किनारे पर पहुंचवन ठाकुर जी का पिंडी लेके आप सब देखले ऊपर पंडित जी लोग लावे ना तो ठाकुर जी का पिंडी के बड़ा सोनहुला पात्र में लेके आवे ला पीतर का पात्र रहला वही में ठाकुर जी रहला इतने छोट पिंडी लेकिन जितना देखले ऊपर ठाकुर लोग को बड़ा करिया होला एकदम करिया होई तो कलूटा पिंडी लोग को है कबीर साहब रस्तवा में देखत गए ठाकुर जी के मनवा में सोचत गए ये सनातन कुछ चेला न हो मन से कर ला जी फिर करे जब हम बोली आवाज कर आखिरकार मैं चेला लेके नहवावे बदे गई था ये तना सुंदर ठाकुर जी हो लेके ये तना करिया का है हो कि दरवा पर गए लग रहा कि हे महाराज आज नहाना कबीरवा लेके आई बा कबीरवा मन भर रही है दो चार घंटा कम मोहल्लत दे दे थी लेकिन एकदम बालू से रगड़ रगड़ के हिया मल के साथ कर लेकिन जब बुलाई तो चलियो यहाँ आदेश रहा गुरु जी का कबीर लेकर के जाएगा भोर में स्नान कराएगा स्नान करेगा और पुनः वापस इस मंदिर में लाएगा ठाकुर जी में स्थापित करेगा अजब तू स्थापित करेगा लेकर के आएगा तो यहाँ भोग लगेगा ठाकुर जी का करीब 8 बजे अजब 8 बजे भोग लग जाये तो सब कर पेट भूख शुरू हो जाए मैंने हमारों को भोजन मिले लगे कबीर साहब जाए पलथी मार के बैठ गया ठाकुर जी के पिंडी से फेंक दिया रामानंद स्वामी चल रहे हम कबीर के भोजन चलवन के लिए जब अलग नदी के किनारा पर ये सरकार हम तो भुला गई है कहाँ ठाकुर जी हम वहाँ कल के भेजले नहाए खाए कहलन मैं चलवा कपार भेलन और बना बना और ही बना न ठाकुर जी गंगा जी के बीच धारा से ही हाँ आ नहीं जई हाँ ना भोग लगे ना हम कब पेट भोग ऐसे ही खेला भी ना वो कबीर वाप मुआई दी सबसे मैं कपार भगे चला बैठ गई लग रामानंद स्वामी के बतिया सुनते कबीर कल के हे सरसा अबे ठाकुर जी के बुलावत है प्रभाव मिलता है कबीर साहब गंगा के तट पे खड़ा हो गए अंजलि लेके अजुरी रोप के खड़ा हो गए कल के ये सरकार हम वादा के अनुसार कभी भिजले रहे गंगा में नहाए खाए अब आ जाई कबीर तोहर बेटा बुलावत हो हमने तुम में खड़क हम में सब में व्याप्त राम अरे आप भगवान हो उस भक्त की लाज को बचाना पड़ेगा और तुझे आना पड़ेगा आखिरकार प्रमाण मिलेला कि सब लोग वो ये रहल कबीर का जुरिया में पनिया में ठाकुर जी का पिंडिया छल 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 कर जोन में आ गई आ गई मैं मैं चेला 9-2-11 बाप रे बाप ओझा सोखा गुनी लगत मेलान हाथे वाला लगत हो चलवा 9-2-11 भागे लगल सर कि केहू पखिसी आई ते मेलान हाथ मु आई केहू के ले ले भाग लेलन कबीर साहब का गुरु रामानंद स्वामी
कहेंगे यो मस्त दूसरी ड्यूटी पास कर लिया चल की शरीर सरसी गल लगी मेला भैया के सौदर भाई श्याम नारायण यादव जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है स्वागत शुरू प्रणाम है मां की साधना को मालिक सुखी रखना जहां भी रखना शांता की प्रदान करना लेकिन सर की ड्यूटी का देना हम कभी तो उनका गुरु रमाना अरे बोले ड्यूटी पर तीसर से ड्यूटी के अनुसार बताया गया कबीर गांव में जाएगा बगल के गांव में कमंडल लेगा दूध का पात्र लेगा और गाय का दूध कहीं से मिला करके अब गंगा स्नान कराने के लिए नहीं जाना है दूध से ही ठाकुर जी के पिंडी को इसी मंदिर में ला करके स्नान कराना है और जब भोग लगेगा तो सबसे पहले भोग शुरू हो जाएगा चल रहे कबीर साहब अजब जब कबीर साहब गईल हा रस्तवा में गाय का दूध का तलाश कर कमंडल लेके गईल रस्तवा में एक हड़ार भी हड्डी ई ना समझ में आवत रहल उ गाय का हड्डी हो बैल का हड्डी हो भैंस का हड्डी हो कि पाड़ा का हड्डी पाड़ी समझ में ना आवत रहल वही हड़ार के पास जाए के कबीर साहब बैठ के कहतो ए माई दूध दो ए माई दूध दो ए माई दूध दो ये कहत कहत फिर 10 बज गए 8 बजे भोग लागे के फिर 10 बज गई रामानंद स्वामी छेलन के ले फिर खोजे खाली चल दहलन अइलन देखलन कला रे पगला ये मरी हुई हड्डी तुम्हें दूध देगी कलंक के काहे ना दे सरकार ए बाबू प्रमाण मिलता है प्रमाण यह मिलता है कबीर साहब ने बगल से दूध घास हाथ से तुरलन हा तोर के वो हड़ारवा को मुहावा पर रखलन हा और कहलन कि हे माई दुनिया में दो दूठे मताई एगो जन्म देवे वाली एगो गौ माता तू हिंदू धर्म का मतारी हो ए बेटा का लाज तुझे मतारी बचावे को हुई हमें दूध देवे को हुई नहीं तो हमार पक्का चेला गुरु जी का ना बन पाई दया कर माई प्रमाण मिलता है उस हाड़ पर मांस चढ़ने लगा इतना ही नहीं हुआ मेरे साथी
में सजीव होकर के वह हड़ार खड़ी हो गई। वह भक्ति की शक्ति कबीर के अंदर था, उसकी वजह से खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई कबीर साहब चक 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 कमंडलवा में दूध निकाले लगला अल्ले के चल रहा कुटिया पर भोग लगल सबका पेट भोग हो गई। कह देना रामानंद स्वामी धन्य है चेला धन्य है कबीर तेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं कोई साधी नहीं कोई आत्मज्ञानी नहीं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं जाकर मेरा पक्का चेला बन गया आशीर्वाद दे दे लगा तेरी कभाव कंबल बिछा के सूते ओढ़ी के गुदरिया कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीजे काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए ता चढ़ी मुल्ला वाद दे क्या बहरा हुआ खुदा कबीर साहब मुसलमानों को समझाते थे सूफी संत थे हर धर्म के लोगों को समझाते थे मुसलमानों को कहते अरे पगला वो अल्लाह दुनिया का आला है निराला है और उसको तू माइक से सुनवाता है अल्लाह अकबर वो दुनिया का खबर लेता है तू अकबर की बात करता है पागल हो गया है अंधविश्वास को तोड़ो हिंदुओं से कहते थे का घर की चकिया भली पीस खाए संसार यह ना अभी दिमाग पर ना आवत है पाथर पूजे हर भले तो क्यों ना पूजू बहा का घर की चकिया भली पीस खाए संसार अरे पगला पत्थर के पूजला से यदि भगवान आई जाइ तो एक बार पहाड़ों के ना पूजी लेल जाइ भक्त दे भगवान अखिया के समन बहा आई जाइ अंधविश्वास तोड़ो पाखंड से रास्ता तोड़ो अध्यात्म से नाता जोड़ो तब तेरा काम बनने वाला है अर्थात इसके अलावा बनने वाला नहीं है। कबीर साहब बड़े निराले संत थे। एक दिन के बाद कबीर साहब को गुरु के चेहरा पर बड़ी उदासी बा उतना उदास कबो रामानंद स्वामी के कबीर देखल ही ना रहा जब से कुटिया पर छंद का भाव लग गई कि गोर खन्ना हाथ घमंड में मातल हर दम कर है अनर गति का कंठी तोड़े चंदन छाटे सब ही के कहिले रहे परिसा उदास पैर पकड़ के रामानंद स्वामी कहलन है गुरुदेव काहे उदास हुआ चेहरा पर शिकन काहे बा कल का बताई चेला काल है तो विपत आवे आले कल कैसन विपत कैसन आफत कल के वो गोरखपुर का संत महान लंठ उस संत ना लंठ भी है ओकर नाम गोरखनाथ हर साल
काशी के धरती में पदार्पण करेला। आवेला काशी के महान संसम से शास्त्रार्थ करेला। इतने ना करेला यदि हरा देला तो काशी के संसम का बड़ी अपमान करेला। कल का करेला कल किताब बताई हरौला के बाद लीलरा का लीलरा पर लागल जो चंदन रहला वो चाट जाला और दतवा से कंठियों को काट जाला। इतना बदमाश संत कल कि हाँ बाबू कल हमारे नंबर हो करा से शस्त्रार्थ करे के कल तो पक्का चेला कभी भी न बनौला। देखेला खड़ा पर जब जब कोनो उस्ताद के सामने पहलवान जला अब आओ आओ कल दौड़ के चेला बन गया वो उस्ताद से पहले हमसे लड़ला कल के पक्का चेला बनौला। आओ शस्त्रार्थ पहले गुरुदेव हमसे हुई ओकर बाद आपसे हुई यदि हमके हर इहन दब न कबीर साहब प्रमाण मिलेला के पूरा बदल का कपड़वा उतार खाली लगोटिया पर हो गया। अब पूरा आगे पीछे कपार बार लीलार से लेके एड़ी से चोटी तक चारों तरफ चंदन लपेट दे कल के चंदन में ना चाटेला खूब कंठी बड़का पहन रहे और वही गेटवा पर खड़ा हुए कल के गुरु जी वाई तो कैसन रोही गोरखा कलक आई गेरुआ वस्त्र पहनले आया संत कबीर कबीर पंथी लोग लो, गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते सफेद वस्त्र धारण करते लेकिन ये गुरु गोरखनाथ आश्रम के लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। कलक गेरुआ वस्त्र पहन के अहिया हथवा में सरनी भी ले ले रहा एक थे त्रिशूल भी ले ले रहा था जा जी है गुरु है कबीर हो वही गेटवा पर अपना स्वामी को कुटिया वाली गेटवा पर खड़ा होकर खोजे लगा वही गेटवा पर खड़ा हो के कबीर इंतजार करे लगला गोरख का कि चाचा ला तो चटाई दे वह निकल बड़ी प्यार से मतारी बहन लोग शादी विवाह के अवसर पर गावे मोती झलरी के कुछ आज मारू का कुछ काल मारू का कुछ आज यारी के बाद मारू का कुछ पुराण भर और मारू का कबीर साहब गेट पर खड़ा हुआ तब ले गेरुआ वस्त्र धारण कैले जोंगा गोरख पर गोरखनाथ आई के बोला बोला अल्लाह समझ गए ना बस 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 ये तिरछुल वाला गोरखा खड़ा होकर कहला चाचा 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 मन करे ऊपर चटा मन करे नीचे चटा मन अरे मन करे ऊपर चटा मन करे नीचे चटा काशी के संसन के चाटे आवेला हमारे नाम कबीर बस चटाई की जिंदगी में फिर चाटे खाती जाई देला करवा।
आहि दादा गोरखनाथ देखल की छोटी मुकी लई खा बड़ बड़ बोलता है कला ए तने हिसाब में बेअंदाज मत हो अवकाश में शास्त्रार्थ करे बदे लिहा तोरा गुरु रामानंद सर कलक ना उनकर चेला है पहले हम से प्रमाण मिले ना गुरु गोरखनाथ त्रिशूल फेंक देलन ऊपर धरती पाए के गड़ गई भक्ति के शक्ति से त्रिकंटक भाग का जो नुकीला बिचला भाग होला वही नुकीला भाग पर जाए के भक्ति के शक्ति से गुरु गोरखनाथ आसन मार लेना कलक हे सुनो हमारी बराबरी के आसन में आई वे तब तोरा से शास्त्रार्थ कर फुदुर फुदुर बोलत रहले है कबीर साहब एहर भर नजर दौड़ो एक दुबिता का धागा जेवना के हमर डोरा बोलीला लोकल धरती पर गिरल कबीर साहब निमोर के उमरिया से आसमान में फेंक देलन धगवा का आ जब आसमान में फेंकला तो उड़े लगल आ कई गुना ऊंचा वो आसमान में धागा उड़ल था धरती से कोनो टेक ना हो आ कबीर साहब भक्ति के शक्ति से जाय को ही डोरावा को ऊपरी भाग पर बैठ गए बोला हे आवा आवा बराबरी का सब बनाई बा तब ना शस्त्रार्थ हुई ये निशवे से ताकत था अरे बाप रे बाप ये लड़का है कि बवंडर है ये तूफान बा कल की आवा कल की ना आ पाई तो कल की ना आ पाई तो हार गई ला ना तो कल की हूँ तो कल की तल्ला है चाचा चाचा मैं तो लगोले हैं चाचा कहला कि ये तरह ना फिर कहला कि चलो शास्त्रार्थ थोड़ी गंगा जी कहे पहुंचा हम तो चल जाते हैं भाई गंगा तट पर होखे लगल कबीर गोरख में गोरख कहला कि हम पानी में डूबा तू हमको खोज के निकाल लिया गोरखनाथ पनिया में कूद के मेढक बन के किनारवा पर बैठ गया कबीर खोजत 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 जब मैं पाई जब पा गई लग तो पकड़ पार कबीर साहब अरे बोले तब गुस्सी आई हो ये बताओ गोरख हुआ कि ना बोलते ना हुआ सोचत हुआ कि जा जा पाई तन किस दोनों टंगरिया फैलावे लगे कहता गोरख जान चल जाए फाट जाए पिछवे से कहलो कि हूँ हम गोरख है तो कहलो कि अपना रूप में आवा आगे जाए अजब आ गई तो कहलो का हो इहो बजी आहार गई लेना तो कल के हो तो कल के लो है चाचा आई बड़ा काशी में चाचा संसन कर लो चाचा लेकिन भाई का अरे पकड़ पार कबीर साहब बोले तब खुशी आई हो जल्दी बोलो गोर खनात पटक के दे बबू आई हो हमर दी गोर खत्ती दो बाजी हारा पारा कहला कि अब धूप हो जा
पनिए में जाए के पानी हो गई, पनिए में जाए के पानी हो गई, गोरखनाथ गेरुआ वस्त्र धारण कैले चोटी लटकवले जटा लटकवले खनी डूबत हुआ खनी उतरा तो वही में कुछ देर डूब के खोजे तो हुआ बगल में तमाम लोग स्नान करत रहला। एक ठे लड़का नौजवान देखले पति से भैया खनी डूबत हुआ खनी उतरा था खनी डूबत हुआ कहला रे बा का खोजत हुआ पानी है ना प्रिय था गरई मछली कि गेगरा खोजे हुआ कि अड़ुआर खोजे हुआ कवन मछली का ललसा पहला गले बुढ़ौती में ऐसा धुपना में कल ये बबुआ हम मछरा मछली ना खोजत है हम कबीर के खोजत है कहलन उ लड़का कलस के सुना हमारे नाम कमाल है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल हमार बाप कबीर हमन कैसे नाम मिली हम चाहत बताए कब्बे मिलिया प्रमाण मिलेला कबीर का कोई रज भी विषय न बेटा था न बेटी थी इलाहाबाद संगम तट पे मुर्दे से जिंदा किए थे उसी बेटे का नाम लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया संतों ने संगम स्थान पर मेला लगा हुआ था और संत जो है भगाने लगे कबीर को भग जाओ इस मेले से सबका हवा खराब कर देगा कबीर आ जाएगा तो भूमि संतों की बोलती बंद होने लगी तो एक शर्त रख दिया कि कबीर तू तभी रहेगा जब उस मुर्दे को बहता हुआ मुर्दा जो जा रहा है उसे भुलागढ़ के किनारे पर जिंदा कर देगा। कबीर कलह रहे मुर्दा कहा जा रहा है इधर आ मुर्दवा आई गई एक थप्पड़ मरलन जिंदा हो गई उहे बेटा कमाल हो गए कमाल पालन ए बाबा कमंडलवा ले ले हुआ ना वही में पनिया ले ला दुगो चार गो ईटा सरिया आए लकड़ी खर पतवार से आग लगा था वही पधाय था अब बे जौन बा जब गरमाई पनिया ना तो कबीर भक्त तोहरी से मनवा आ जाए गरमावे लगल गोरखना प्रमाण है वैज्ञानिक प्रमाण है पानी वाष्प बन करके जाता है पूरा बादल के रूप में पानी बनकर धरती पर आता है उड़े लगल कबीर साहब वाष्प बन के उड़े लगल गोरखना तोलन पकड़ कमाल चक्र ने अपनी मुठिया में वाष्प कैद कह लहलस कर से बाबू जी हई गोरखा से भाग सकेला हो तो हार बेटा आई हो हार बेटा हमसे भाग के कहा जाइबा हो नहार गिरवान के होत चिकने हमसे बनवा आवा अपनी रूप में आवा कबीर साहब अपनी रूप में अइलन ह कल का हो गोरख इहो वजी आहार मिलन कल की हो तो कहला कि प्रमाण मिलेला कि जिंदगी में फिर शास्त्रार्थ करे के नियत से गोरखनाथ काशी के संसद पर फिर पदार्थ ला गेलन धरती पर चल ले कबीर साहब होइ के तैया चर्चा हो गया कबीर ऐसा फकीर है काशी नगरी में भारत के अंदर जो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा करता है
शेख नसीम राजा सऊदी का राजा, शेख नसीम अरब का राजा की इकलौती बिटिया खूबसूरत नगमा थी। 16 वर्षीय बिटिया की अचानक मौत हो जाती है। दरबार बुलाया है आलिमों की, मौलवियों की, कहा है सुनो, कुरान शरीफ में लिखा है फकीर वही है जो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा कर दे। पता लगाओ, हिंदुस्तान की धरती पे पता लगाने के लिए फैजी नाम का मुसलमान आलिम आता है। निवेदन किया, कबीर साहब पहुंच गए। अजब जब अरब में पहुंचल तो भैल का कलम मेरी बेटी मरी है, कब्र में दफन कर दी गई है। कब्र के पास राजा शेख नसीम कबीर को लेकर के जाता है। लोगों की ताता लगी है, हिंदुस्तान की धरती से फकीर आया है, कबीर आया है, राजा की बिटिया कब्र से जिंदा करेगा। कबीर साहब गैलन कहलन लन, उठ जा भगवान के नाम पे, जिंदा हो जा, कब्र से बाहर आ जा। भगवान के नाम पर वह बेटी कब्र से बाहर जिंदा होकर नहीं आती है। कल की उठ जा, लाख के नाम पर कब्र से बाहर होकर के जिंदा आ जा, ना आया। ए बाबू, प्रमाण मिलेला कि एक थप्पड़ कब्रवा पर कबीर मरला ना, कल की उठ जा कबीर के नाम पर। कब्रवा फट गई, अचंत से लड़कियां जीवित होके बाहर आई। कबीर का कलाई पकड़ लेलस, कबीर साहब को कलाई पकड़ के कलश के बाबू जी कलक नहीं, तेरे पिता ये शेष पति कहीं के नहीं, मैं मर चुकी थी, मुझे आपने जिंदा किया, तो मेरे पिता आप हैं, वो नहीं हो सकते। प्रमाण मिलेला उहे बेटी कमाली भाई। देखा, बेटा भी मुर्दा से जिंदा और बेटी भी मुर्दा से जिंदा। कबीर का रज वीर से कौन बेटा बेटी ना है, जिंदा कैलन। वहां अरबी भाषा में लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कमाली कमाली कमाली। वो लड़की का नाम कमाली हो गई, कमाली पड़ गई। रामानंद स्वामी सफवा गई रहना, मैं तमाशा गुरु जी देख ला। एक थे निवेदन पैर पकड़ के देखा, गुरु चेला का पैर पकड़ते, एक थे बात पड़ी ऊंची कलम का। पैर पकड़ के गुरुजी चेला को कहते, कबीर को पैर पकड़ के रमा स्वामी का लग। अरे पगला, तू
मुझे भक्ति का रास्ता बता दे, मैं बहुत अधूरा हूं तेरे सामने। गुरु कह रहा है शिष्य से, कनक ना गुरु जी हमें लज्जित मत करा, कनक ना वादा कर, कनक ये जन्म में तो ना वादा कर, अगले जन्म में तू मेरा गुरु बनना, मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा, वादा करते हैं दोनों लोग। फिर शरीर धर्म दास बन के कबीर साहब पुनः जन्म लेते हैं इस धरातल पे। कबीर साहब रामानंद स्वामी अपने शरीर को छोड़ देते हैं, कबीर कबीर ही रहते हैं, और जब शरीर को छोड़ते हैं तो पूरा जन्म गुरु ने लिया, रामानंद स्वामी ने लिया, और नाम पड़ा संत धर्मदास। काशी के संतों में धर्मदास का भी एक स्थान था और कबीर के शिष्यों में भी परम स्थान था। चेला वाला भाव है पूर्व जन्म का गुरु, यह जन्म में चेला बलन धर्मदास के नाम पर पूरा साथी। कबीर साहब बोलत गए ना चेलवा उहे भोज पत्र पर लिखत है, जवन आज अमृत बाणी के रूप में सुनेला। सदगुरु स्वामी राधे दूसरी नाथ।